हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है। ये नोटिस जो है रिलीज हुआ है 21 सितंबर 2022 को, मतलब कि आज के दिन ये नोटिस रिलीज हुआ है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो पोस्ट कोड 894 मतलब फार्मासिस्ट एलोपैथी का एग्ज़ाम दे चुके थे और किसी कारणवश या ये कह सकते हैं कट ऑफ कम की वजह से जो है रह गए थे। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए तो नहीं, लेकिन 29 जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, मतलब कि 29 पोस्ट को भरा जाएगा। जो फार्मासिस्ट एलोपैथी की 894 पोस्ट कोड की 29 पोस्ट हैं उनको फिलअप किया जा रहा है, जिसमें कि आपके जनरल अनरिजर्व के 9 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के 4 कैंडिडेट को, एससी अनरिजर्व के 5, एससी बीपीएल के 1, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का 1, ओबीसी अनरिजर्व के 6, ओबीसी बीपीएल का 1, एसटी अनरिजर्व का 1, एसटी बीपीएल का 1। एससी के लिए कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर वेटिंग पैनल पे नहीं था, तो नहीं लिया गया है कोई भी एससी कैटेगरी से कैंडिडेट। यहाँ पर आपके रोल नंबर के सामने आपके नाम, कैटेगरी और टोटल मार्क्स जो हैं सामने दिए गए हैं। टोटल 28 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, 29 पोस्ट के लिए हैं ये वैसे तो, लेकिन एससी जैसा कि मैं बता रही हूँ एससी की जो है वो पोस्ट नहीं थी। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक पोस्ट वैकेंट रह गई क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी नहीं रही। तो ये आज ही रिलीज़ हुआ है, बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन सभी के लिए जो वेट कर रहे थे फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए, जिनका सपना था और वो इस बार रह गए थे, उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।